रोजगार सहायता शिविर जो लगाए जाते हैं, स्वरोजगार का प्रचार नहीं, 11 तारीख को रोजगार सहायता शिविर लगाया जाता है। राजस्थान सरकार की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार मिले, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बहुत कम हो गई हैं। इसलिए हमारा काम है लड़कों को बुलाना और साथ में एम्प्लॉयर्स को बुलाना, उन दोनों को मिलाना। एम्प्लॉयर्स अपनी शर्तों के हिसाब से लड़कों को लेते हैं। आज 5 एम्प्लॉयर्स आए हैं, 1 सेल्स के हैं, 1 सिक्योरिटी के हैं और 3 सिविल वर्क वाले लड़कों को लड़कियों को ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ RSLTC, RTI चूरू और बड़ौदा क्षेत्रीय विकास बैंक जो है वो लड़कों को लोन देने का काम करने का काम भी यहाँ कर रहे हैं। अगर कोई लड़का अपना खुद का बिजनेस करना चाहे या लोन लेना चाहे तो उनके लिए भी यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है। बहुत अच्छी सी कंपनी आई हुई है और ये हर महीने 11 तारीख को रोजगार कार्यालय द्वारा एक कैंप लगाया जाता है। प्रक्रिया तो हम अखबारों में विज्ञापन देते हैं, इसके लिए हर महीने 11 तारीख को ये आयोजित होता है। तारीख अगर चेंज होती है तो हम अखबार में निकाल देते हैं। लड़कों को हम मोबाइल से मैसेज भी करते हैं, लड़के काफ़ी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज काफ़ी अच्छी भीड़ यहाँ हुई है, एम्प्लॉयर भी अच्छे आए हैं। आज ये बड़ा मेला है, हर 3 महीने से एक बड़ा मेला लगता है, उसी हिसाब से आज हमने सारा आयोजन किया। जैसे ऊपर चढ़ोगे ना, ऊपर चढ़ते ही सामने ही है और ये फ्लेक्स वगैरह का आप नंबर है आप। अच्छा, वहाँ सारे के वो जो शिवम वाले के सामने ही आपका है आप बताएंगे या कितने बात आज ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रोज़गार मेला का शुभारंभ हुआ है और जिसमें सभी कंपनियों को इनवाइट किया गया है जो बच्चों को प्लेसमेंट देंगी और साथ साथ में जो कंपनियां कोर्स करवा रही है उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से RSLTC स्कीम के तहत फ्री रोज़गार देने का और फ्री रेजिडेंशियल कोर्स है जो करवा रहे हैं उसका अवसर प्रदान किया जा रहा है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बहुत संख्या में आए हैं और जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने ये अवसर उनको उपलब्ध करवाया है उसका भी लाभ ले रहे हैं बच्चे। काफ़ी संख्या में बच्चों की भीड़ आई है यहाँ और काफ़ी कंपनियाँ भी आई है दूर दूर से, जिसमें हमारी कंपनी महेंद्र कुमार सन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है और कैरियर कॉलेज कोचिंग के भी बच्चे आए हुए हैं और टीचर्स आए हुए हैं और उनके सेंटर्ड आए हुए हैं और हमारे महेंद्र कुमार सन्स के भी बच्चे और टीचर और सेंटर्ड आए हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया स्कीम है जिसका सभी फ़ायदा लें। धन्यवाद। इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया यह है जैसे कि हम बच्चे का अभी प्लेसमेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, उससे सब सर्वप्रथम ये रहता है प्लेसमेंट देने का कि सबसे पहले बच्चा कोर्स करे, कोर्स के बाद में उसको रोज़गार मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि बच्चे के पास हुनर है, हुनर का विकास करते हुए कौशल विकास योजना के तहत उसको रोज़गार दिया जाता है। पहले बच्चे की ट्रेनिंग होती है, जिस भी कला में वो माहिर है उस कला को और ज़्यादा निखारा जाता है, निखारने के बाद उसको रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अलग अलग कंपनियों को हम जॉब फेयर में बुलाते हैं जिसमें बच्चों के इंटरव्यू होते हैं, बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और फिर उन बच्चों को प्लेसमेंट किया जाता है। बाढ़ के उसमें जा रहे हैं।
Thank you.